हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास एट की साइंस की बुक। ये देखिए, ये क्लास एट की साइंस की बुक है बच्चों, और जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर इसमें बच्चों ये हमारा चैप्टर है सेल चैप्टर है हमारा। इसमें चैप्टर एट चैप्टर हमारा है सेल हम स्टडी करेंगे, जो कि पेज नंबर 131 पर है। पेज नंबर 131 पर ये बच्चों हमारा चैप्टर है सेल। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जरूरत नहीं है कि मैं बोर्ड पर खड़े होकर के पढ़ाऊं, क्योंकि कुछ चीजें केवल समझानी है, वो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूं यहाँ पर बैठकर। फिर जो हमारा डायग्राम आएगा तो वहां से मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी इसको, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सेल चैप्टर हमारे स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेल क्या होता है। देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में कौन आता है? लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। तो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें बनी होती हैं सेल की। आप सोचते हो ना कि ये स्किन है, ये क्या चीज आखिर है ना, इसका मटेरियल क्या है? जैसे ये पेपर है भाई, ये बुक है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये पेपर से बना हुआ है, ये कागज है, ठीक है। लेकिन और ये पेन है, ये भी हमको पता है, अच्छा ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ये अगर ये इसकी मैं बात करूं तो आप इसको कहोगे कि ये कपड़े से बना हुआ है। तो हमारा जो ये स्किन है, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये मटेरियल क्या है? तो बच्चों, यही जो मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। CELL सेल, ये सेल है। प्लांट्स के भी जो लीफ होते हैं ना, प्लांट्स की जो प्लांट से स्टेम होते हैं, तो वो क्या चीज है ना, वो चीज क्या है जिससे वो मिलकर बना होता है? तो बच्चों, वो चीज क्या है? वो है सेल। लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर के बने होते हैं। और सेल जो होता है, वो उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक लिविंग थिंग्स हूं, ठीक है, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, ठीक है। मैं किसी प्लांट की बात करूं, एक छोटा सा समझ लो गुलाब का पौधा है, तो उस गुलाब के पौधे का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, यूनिट क्या होता है? यूनिट मीन्स एक छोटी इकाई जिससे हम मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं मकान की बात करूं, तो एक मकान की एक छोटी इकाई क्या होती है जिससे मिलकर के पूरा मकान तैयार होता है? तो वो छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? वो होती है ईंट, है ना। एक 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 ईंट, एक ईंट है, दूसरा, तीसरा, उसके ऊपर ईंट पर ईंट रख करके हम पूरा मकान, पूरा दीवार खड़ा करते हैं। उसी तरीके से हमारी जो ये स्किन है ना, वो भी क्या होती है? एक 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 सेल से मिल करके बनी होती है। यानी कि हम ये बहुत सारे बिलियंस सेल से बने होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी जब स्टार्टिंग होती है ना, जब हमारा शरीर बनना शुरू होता है, शुरू में तब की बात कर रही हूँ जब मदर की बॉडी में जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है, जब हम बनना शुरू होते हैं, उस समय हम सिर्फ एक सेल के होते हैं, यानी कि वन सेल के। तो वही एक सेल है ना, वही एक इकाई है जिससे मिलकर के हमारा बाद में उसी सेल में संख्या बढ़ती जाती है और हम पूरा बनकर के तैयार हो जाते हैं ना। तो हम एक एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये यूनिट हुआ, ठीक है। वही एक इकाई है जिससे हमारी संख्या बढ़ रही है, हम पूरा बने हुए हैं, तो वो यूनिट कहलाएगी, वो इकाई कहलाएगी सेल, ठीक है। ये यूनिट का मतलब हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि एक एक सेल ही मिलकर के हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा कान बनाते हैं, हमारा नाक बनाते हैं, हमारी फिंगर्स बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो एक एक सेल मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक गुलाब का पौधा है अगर, तो उस गुलाब के पौधे का स्टेम, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, सभी के सभी जो है वो एक एक सेल से मिलकर के बनता है। तो चूंकि बॉडी का हर एक, प्लांट की बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बॉडी की बात करें, एक एक स्ट्रक्चर जो है, एक एक बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो बना है ना, उसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल यूनिट तो है ही, लेकिन स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात बोल रहे हैं कि सेल जो होता है वो फंक्शनल यूनिट है। तो फंक्शनल का मतलब क्या हुआ?
फंक्शनल मतलब होता है कि सेल जो होता है ना बच्चों, ये पूरी फैक्ट्री की तरह से होता है। है तो ये बहुत छोटी चीज है ना, बहुत छोटा, इतना छोटा सेल है कि हमको माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई भी नहीं देता है, अच्छी तरीके से उनको दिखाई भी नहीं देगा, उनको सिर्फ एक शेप जैसा ऐसा दिखाई देगा। लेकिन वो सेल एक पूरी फैक्ट्री की तरह से होता है, उसके अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं। बहुत सारे काम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शन, है ना, बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, तो पूरा फंक्शन उसके अंदर चलता रहता है। अगर एक 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 हमारे सेल जिंदा हैं, ठीक है, हमारे सेल में अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन चलता रहता है तो हम कहते हैं कि हम भी स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम चलता है, हम अगर जिंदा हैं बिकॉज ऑफ सेल, क्योंकि सेल के अंदर सारा फंक्शन चल रहा है। ओके बच्चों, तो इसलिए हम सेल को बोलते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल का पूरा डेफिनेशन एक ही लाइन का हुआ कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की ये इकाई है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, तो ये सेल का डेफिनेशन हुआ, हमने इतना कुछ जाना सेल के बारे में। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि सेल के का सबसे पहले, अब यहां पर दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल का डिस्कवर किसने किया, तो सेल का डिस्कवर किया था, सबसे पहले सेल को देखा था जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, आप अंदाजा लगाओ कितने पीछे की बात है, आज हम 2020 में हैं और हम स्टडी क्या कर रहे हैं, 1665 की बात स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेल का डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस समय इतना डेवलप जैसे आज का माइक्रोस्कोप है, आज कितनी तरह तरह के अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले मशीनें आज अवेलेबल हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने, और अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने कार्क में, है ना, कार्क मतलब होता है लकड़ी, है ना, एक लकड़ी होती है सूखी, आपने देखा होगा कुछ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती है उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, कार्क कहते हैं उसको, उस कार्क में उन्होंने स्ट्रक्चर, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें उनको कुछ ना ऐसा दिखाई दिया जैसे मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, ऐसे 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 रेक्टेंगल शेप के खूब सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो वो सोचने लगे कि क्या है ये, है ना, तो वो स्ट्रक्चर उन्होंने सबसे पहले देखे और उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि क्या चीज है ये, और ज्यादा उस पर स्टडी चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो उन्होंने स्टडी किया ये चीज, है ना, और नाम दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है मुझे कार्क के अंदर माइक्रोस्कोप से जो दिखाई दे रहा है ये, एक्चुअल में उन्होंने उसको नाम दे दिया उस टाइम कि इसको हम सेल बोलेंगे, CELL, सेल, ठीक है। लेकिन वो जो उन्होंने सेल देखा था तो वो लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था, ठीक है, सेल मरा हुआ सेल था। मतलब पेड़ से अगर एक प्लांट अगर है और टहनी हम काट देते हैं ना तो धीरे धीरे वो प्लांट सूख जाता है, तो उसमें जो सेल होते हैं उनके, उन सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है और उसके अंदर का फंक्शन बंद हो जाता है, सेल के अंदर का पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेड सेल। तो वो जो सेल था जो उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने, वो कैसा सेल था बच्चों, वो डेड सेल था, और उनको क्लियर दिखाई भी नहीं दिया, उनको तो सिर्फ एक शेप दिखाई दिया, है ना, कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ ऐसा शेप है, आप अपने बुक में स्ट्रक्चर देखिएगा आपको दिखाई देगा। तो ये जो शेप दिखाई दिया उसको उन्होंने नाम दिया कि ये सेल है, ठीक है। जब उन्होंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा जाना, तो अपनी स्टडी करने के बाद उन्होंने, देखो, हिज वर्क टू साइंटिस्ट एट अ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उन्होंने अपनी चीजें जो भी उन्होंने स्टडी किया, हम जो भी स्टडी करते हैं या कोई साइंटिस्ट है तो उसको पहले से तो कोई जानता नहीं कि ये साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं, उसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके और वो लोग क्या करते हैं कि साइंस फैकल्टी में जाकर के जमा कराते हैं और उस पर वापस उसको चेक किया जाता है कि जो इन्होंने कहा है वो बात सही है क्या, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने जो स्टडी किया, जो ऑब्जर्वेशन किया उसको लेकर के, और जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उसको जाकर के वहां पे सबमिट कराया कि मैंने ये चीजें स्टडी किया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब उन्होंने ये चीज स्टडी किया था, उन्होंने डिस्कवर किया कब, 1665 में, है ना, लेकिन कुछ खास जानकारी वो हासिल भी नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो सेल जो क्या था, वो डेड सेल था, तो कुछ खास जानकारी इनको मिल भी नहीं पाई और उनके, और कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा इस पे कुछ नॉलेज मिला नहीं है, ऐसी कुछ मशीनें नहीं थी कि रीडिस्कवर किया जाए, तो कुछ खास इस पे जानकारी नहीं मिली,
और उनके बाद है ना सेल के बारे में तब तक कोई कुछ इतना जानता नहीं था, उनके बाद 150 ईयर्स के बाद 150 साल बाद वापस उसी टॉपिक का रीडिस्कवर किया गया, उसको और ज्यादा जानना शुरू किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने डिस्कवर किया, सारा काम भी कर दिया, लेकिन उनको नाम नहीं मिला। उनके मरने के बाद फिर जो है वापस रीडिस्कवर हुआ, तो पता पड़ा कि अच्छा ये चीज तो आज से 40 साल पहले भी बता के गए थे। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपके इसी चैप्टर में ही आएगा। अब तो फिर वापस जब 150 साल बाद उन्होंने ये बात छेड़ी थी है ना कि सेल कुछ ऐसा ये चीज बताया था, लेकिन उसके 150 साल बाद जब इम्प्रूव्ड है ना कुछ काफी जो है इम्प्रूव्ड जब माइक्रोस्कोप बना, जिसका मैग्निफिकेशन बहुत हायर मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप बना, जिसमें हम मतलब काफी अच्छी तरीके से थोड़ा डिटेल से और देख सकते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं था, बल्कि वो क्या था, हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप जब बना तो उसमें देखा गया, तो हमको थोड़ी और नॉलेज मिली किसके बारे में, सेल के बारे में। तो 150 साल बाद वापस लोगों ने सेल के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और बहुत सारी चीजें हमको, फिर बहुत सारी चीजें सेल के बारे में पता पड़ी जो कि हमको इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए बच्चों, इतना इतना काम करते हैं साइंटिस्ट है ना, और हमको सिर्फ एक चैप्टर रहता है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, हम आराम से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर इसका लर्न कर लेते हैं, बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं, या फिर हमको ये चीज नहीं लगता है कि अच्छा देखो कितनी मेहनत है ना, उनकी मेहनत हमको यहाँ दिखाई नहीं देती है। बच्चे तो सिर्फ सोचते हैं कि डेफिनेशन पढ़ लो है ना, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, रट लो है ना, रट लो। लेकिन इस एक लाइन का डेफिनेशन देने के लिए बच्चों साइंटिस्ट कितना कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट समय जो है वो गवाते हैं, तब जाकर के हमारे लिए नॉलेज इकट्ठा करते हैं, है ना। तो बच्चों उनको कम से कम उन साइंटिस्ट को हमको सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने इतना ही इतना स्ट्रगल करके हमारे लिए नॉलेज लाए हैं। तो हमको इसको व्यर्थ नहीं करना है कि केवल रट करके हम इसको व्यर्थ करें, बल्कि आप इतना मन लगा करके पढ़िए। बहुत सारी साइंस तो ऐसी चीज है, बायोलॉजी तो बहुत ही अच्छी चीज है ना, आप पढ़ोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम सीखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जरा सोच के देखो कि कितनी मेहनत करके वो ये चीज बताए होंगे। हम एक छोटी छोटी कोई बनाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसमें हम इतना दिखाते हैं कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, इन्होंने तो अपनी लाइफ का एक लॉन्ग मतलब टाइम ये स्पेंड करते हैं और तब जाकर के हमारे लिए नॉलेज दे के आते हैं। तो इसको हमको केवल रटना नहीं है बच्चों, थोड़ा सा इसको मन से आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ लॉन्ग आपको भूलेगा नहीं। इस साइंस से आपको जो है ना एकदम मतलब इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा साइंस से कि कितना बढ़िया। फिर आप पढ़ोगे आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपने कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे स्टडी किए, टाइम का पता नहीं पड़ता है जब हम पढ़ते जाते हैं, इतनी मजेदार चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेल क्या क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद आता है आप बात सेल नंबर साइज एंड सेल, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें, क्योंकि चैप्टर लंबा है, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, आराम से धीरे धीरे हम लोग करके पढ़ेंगे, कोई भागने की जल्दी नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस मैं आपका 8th का कंप्लीट कराऊंगी। मेरे चैनल पर किसी ने कमेंट किया था मुझे, दिव्यांश नाम था या कुछ ऐसा ही नाम था, तो ऐसा कमेंट आया था कि मैम आप पढ़ाइए मुझे साइंस और SST है ना 8th का, तो इस वजह से उनके कहने पे ही मैंने वापस ये शुरू किया है। क्वेश्चन आंसर तो मैंने करवाया ही था, लेकिन अब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमने पढ़ा, कल फिर वापस इसके आगे पढ़ेंगे। तो कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेल नंबर साइज एंड शेप, ये मैं खत्म करूंगी। उसके बाद सेल्स विजिबल टू मतलब आंखों से हमको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अमीबा का इरेगुलर शेप कैसे है, इतना सब पढ़ने के बाद हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीजें धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे, कल मिलेंगे वापस। देखिए बच्चों, ये हमारी बुक है साइंस की, ओके। इसमें हमारा ये चैप्टर 8 है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए हम स्टडी कर लिए, ये डिस्कवरी ऑफ सेल ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का उनको दिखाई दिया है ना, छत्ते की तरह से इस तरीके का सिर्फ शेप दिखाई दिया। उसके बाद ये चीज़ें, ये जैसे ईटों का एग्जांपल देकर के यहाँ दिया गया है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी बनी होती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कल बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ से सेल नंबर साइज शेप, ये सारी चीज़ें देखिए हमको अभी आगे स्टडी करना है, जो कि हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों।